सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और आपका स्वागत हमारे इस ब्लॉग में। तो आज जो है मेरा है बर्थडे, यानी 4 फरवरी को मेरा बर्थडे है, संडे का दिन है। और सभी लोगों ने विश किया, काफ़ी सारे लोगों ने विश किया, स्टोरी वगैरह लगाते लगाते मेरा जितना भी डेटा था सारा का सारा खर्च हो गया सिर्फ स्टोरी लगाते लगाते। उंगलियाँ थक गई, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह लोग स्टोरी लगा रहे हैं, तो उन्हें मेंशन बैक करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी लोग बोलते हैं भाई आपने हमें मेंशन बैक नहीं दी, तो इसलिए जो है मेंशन बैक देना पड़ रही है। और काफ़ी अच्छे से आज का प्रोग्राम होगा, सभी लोगों को बुलाया है, देखते हैं कौन कौन आएगा। क्या कर सकते हैं, बंदा अपना थक चुका है, ताकत आई, हमारा मुँह नहीं धुला यार, अभी देख रहा मैं इसी उठ के चले आया। ये कह रहे थे उधर से गाड़ी फिसले नहीं, उसका मतलब आप समझ नहीं आया, वाकई में नहीं फिसल रही है। पानी बरस रहा है और बादल देखो, कहीं पे धूप है कहीं पे छाई, मतलब अभी बादल जो है धूप पे जो है बादल छाए हुए, तो वो हटेगा तो साफ हो जाएगा। बहरहाल इधर तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यार अगर धूप नहीं निकली ना मज़ा किरकिरा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो यार दुआ करो निकले। देखो भैया टेंट लगने लगा, मटेरियल ले आया, डीजे वगैरह, इधर जब कुछ काम करवाने वाले बुला के लाए टेंट वाले, ये देखो काम करवाने वाले दावत के लिए बनाएगी। तो टेंट लगाने वाले दावत कब होती, टेंट थोड़ी हम टेंट वाले थोड़ी है यार। देखो भैया खाने के इंतजाम चल रहे हैं, इधर मटर पनीर वगैरह का इंतजाम, 100-150 नहीं 50 तो ठीक है, तैयारी चल रही है सारी और सब लोग आने वाले हैं। अभी तो फिलहाल में कोई नहीं आया, हमारी टीम के मेंबर नहीं आए, जो हरीश थे वो भी नहीं आए। और अब जो है भाई का बर्थडे में भाई सबसे पहले आया था और भाई थोड़ा लेट हो गया था, और सामान भी जितना लगा दिख रहा है भाई ने लगाया खुद, और भाई का बर्थडे, भाई के लिए जान आ रहे, भाई का बर्थडे काम चोर है ना, एक काम भी नहीं करा, एक काम भी नहीं करा इस बंदे ने, समझ लो जितना काम करा काम का श्रेय जो है इन्हें जाए, नाटू भाई को श्रेय जाए, नाटू भाई ने प्योर काम कराया, तो वो कपड़े देख सकते हो बंदे के, यहाँ वाकई में हमने फिलहाल में अभी चेंज कर लिया, ऐसा मत समझना हमने भी नहीं कराया काम, हमने अभी अभी जस्ट चेंज करें बस, और कुछ नहीं। भाई ने तो खैर कुछ नहीं करा कुछ नहीं करा, करा काम करा, ऐसी तफरी ले रहे हैं। और जयगम भाई ने तो फिलहाल में ऐसे ही हाथ, जहाँ हाथ लगाने को होता था वो उंगली लगाते थे, जाएंगे अब थोड़ी नष्ट हो रही है। ले भाई साहब ये ड्रामा चालू पानी का, अभी अभी इंतजाम कर पाया, पानी बरसने लगा। देखो यार क्या मतलब दिमाग खराब कर रहे हो, कुछ भी है कितनी देर बरसेगा, बरस लो तुम, अब है नहीं तुम्हारी मर्जी है जितनी देर बरसना है। सिर्फ 2 मिनट बरसे पानी, कौन कह रहा हम, किसने बोला, माहौल लेके आए, माहौल कहाँ से लाए। ये सारे लोग बाहर से फैसल भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, यो हैप्पी बर्थडे लाल भाई, और ये फैसल भाई खड़े हुए हैं, ये प्रवीण भाई, और ये भाई खड़ा हुआ है मास्टर साहब पीछे आड़ में। तो हम मतलब ये बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि जो मेरा नाम है ना, क्या नाम है, बुल्लन, उसके अलावा बुल्लन, उसी के नाम से है ना चैनल, बुल्लन की वाइन, हाँ तो असली बुल्लन जो है भाई साहब ये बैठे हुए हैं, असली बुल्लन जी है, असली बुल्लन यही है, इन्हीं को देख के हमने नाम रखा था बुल्लन। चलो जी अच्छी और हमारे एमपी स्टार आ गए हैं, एमपी स्टार, अरे आता है यार, झूठ चलो, हां चलो चलो, सब कुछ कहेंगे भाई, सब कुछ कहेंगे मास्टर, बोले दो चार गोल्डन वर्ड, सूरत है वाह क्या बात है, दिलों के हीर हम हैं जी, न चांदी हूँ न सोना हूँ तेरी तकदीर, मास्टर मिले जो साथ जो तेरा, रवानी घर में आ जाए, ये दुनिया भी बदल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, आदिल बेगाना दीवाना नहीं है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, भाई प्रवीण भाई और तीन भाई की तरफ से गिफ्ट,
कोशिश नहीं मतलब फिर हो तो जरूर आना, मतलब ये नहीं हम कह गए नहीं आएंगे, लेकिन तो गाइस देख सकते हो इधर सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं मेरे को, सब वेट कर रहे हैं भैया, बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है सभी लोग आ जाओ, ये लोग कह रहे हैं मतलब सभी वेट ही कर रहे हैं, ये देखो इधर मेरे गांव की भीड़ लग गई है, देखो ये सभी लोग देखने के लिए आ गए क्या हो रहा है भैया, ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने। सो गाइस व्यवस्था ऐसी ख़राब हो रही है कि पानी बरसने लगा, मतलब हम ना तो व्लॉग कर पा रहे हैं कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और ये 2.8 का पर्चा लिए खड़े हैं भाई, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहे हैं, व्यवस्था बन नहीं पा रही है, पानी बरसने लगा। अनिकेत भाई मतलब इतना गुस्सा आ रहा है, सही बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले के हाथ में है तो पानी बरस रहे तो बरस रहे, लेकिन हालांकि बंद हो जाएगा ये तो पता है। चलो काट दिए, हम टांगे टांगे ले रहे, ठीक ठीक है, नहीं ले रहे भाई, खाइए भाई खाइए, निक्की भाई भैया मेरा भाई जी भाई निकालो यार, सबने कुछ निकाला है कर रहे भाई, देखो नंबर आ रहा है मेरा, बस नंबर आ रहा है भाई, थोड़े तुम थोड़े पीछे हो रहे भाई यार, पानी की वजह से यहां पे इंतजाम करना पड़ा, अब उसके लिए क्या कर सकते, सारा कुछ पानी है, पीछे हो जाएगा बंदा, भाई तुम इधर आ जाओ, राहुल भाई तुम भी लो यार, क्या बात है और क्या, अरे यार क्या बनता है, दो 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 प्लेट यार, ये देखो भैया सब्जी चुराई जा रही है, देख लो ये हाल है यार, अब यार जनरेटर का इंतजाम करो भाई, भाई पानी ने ऐसी रेड़ मारी है कि उसकी वजह से आधे लोग ऐसे ही भाई निकल रहे हैं, सजर भाई भी जा रहे हैं, क्या करें छोड़ना पड़ेगा, 10 बज चुका है। हाँ भाई मुझे कॉल चली थी, हाँ तो नाटो को किसी आवाज आ रही थी कि अरे साउंड लगाओ ये चीज़ है, हमने कहा चलो चले, हमारा बिल्कुल आने मन नहीं था, सर अच्छा डीजे सुन के पहले वाला, अब चलो कुछ भी हो। गाइस ये बंदा ही मेरे पैसे वसूल करवा रहा है, और थैंक यू थैंक यू, किसी तो काम आया, बिल्कुल बिल्कुल, ये घर जाने के लिए बैठी हुई है, घर जाना है मैं केक खाने के लिए बैठी, अच्छा क्या है मीठा मीठा ही हमारा, ये भी नहीं मीठा इन्होंने पी रखी, ये मैंने क्या कह दिया, पलक का गुलाम, ये डाल देना, ये पलक का गुलाम है, हाँ मैं हूँ, मैं कबूल करता हूँ, इधर भाई लगा हुआ है अपना फुल सपोर्ट में है, हमारे गांव की लाइट हो चुकी है ख़राब, मतलब हमारे गांव की नहीं पूरी एरिया की ख़राब हो गई, आज ही के दिन लाइट भी ख़राब होना थी, आज ही के दिन पानी भी बरसना था, सब कुछ हो गया, केक वगैरह भी नहीं काट पाए, 12 बज गया है, आज लग गई 5 तारीख में केक कटेगा, और अभी इस टाइम जो हम लेने आए हैं डीजल जनरेटर के लिए, सोचो कहाँ बाकी घर पर जो इन्वर्टर से काम चल रहा है वो चल रहा है, बाकी नाटू हटो, नाटू नाटू ए नाटू हट जा ना, अरे भाई गोल्डन बॉय चले गए, अरे आओ भैया आओ ना, तुम आओ
ये डांस कर रहा है आपको पता तो है Thank you.
जा रहा भाई जा रहा फोटो भेजते ना फोटो हाँ फोटो भेजो चलो ठीक भाई सौरभ भाई भी निकल रहे हैं अपने ठीक है दो बज रहा है और हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा भाई पहले गिफ्ट खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले जो था हमने गिफ्ट खोला है हरीश भाई का, और हरीश भाई ने क्या दिया है वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं सीधा। ऐसे देखो, ये देखो भाई साहब, हरीश भाई ने क्या गिफ्ट दिया है, मतलब देख के अच्छा लगा। और इसमें एक चीज और है, ये देखो अब देखो। तो भाई साहब हरीश भाई बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया हमें, और तुमने ऑफिस के लिए पहले ही से इंतजाम कर दिया ये फोटो लगाने के लिए। ये ऑफिस के मेरे बैग पे लग जाएगा, मतलब चेयर पड़ेगी ना उसके बैग में, तो ये वहाँ पे फोटो लगेगा पक्का। अच्छा है, बढ़िया, थैंक यू। और अब ये है किसका, राहुल भाई का, राहुल भाई का गिफ्ट देखते हैं भाई की तरफ से। मतलब की चीज है मेरी, ये समझ लो। और भी कुछ है? हाँ और भी है, अभी दिखा रहे हैं। ब्लैकबेरी का परफ्यूम। हाँ यार राहुल भाई बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया तुमने, तीनों चीजें बेस्ट हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यानी कि मास्टर साहब की तरफ से ये गिफ्ट है। ये भी सही है, फ्री साइज है, थैंक यू मास्टर साहब। तो भैया ये गिफ्ट है किसकी तरफ से, प्रवीण भाई की तरफ से, जिनके चैनल का नाम है लड्डन का अड्डा। भाई की तरफ से फ्रेम मिला है, अब यहाँ पे एक फोटो लगाना पड़ेगा, वो हम उनसे ही पूछ लेंगे कौन सा फोटो लगाए। तो भैया ये मेरे प्रिय मित्र सौरभ भाई की तरफ से है, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो वो हमारे साथ के दोस्त थे सौरभ भाई, बन गए वो, ये गिफ्ट ले गए हैं। उनका गिफ्ट खोलना है, सौरभ भाई की तरफ से टी शर्ट, क्योंकि आने वाले टाइम में काम देगी गर्मियों की वजह से। ये हमारे जो चैनल पे पुराने जो बाबू जी थे, जो अब दोबारा से एक बार फिर से एंटर करेंगे चैनल पे, तो वो हमें ये गिफ्ट दे के गए, क्या है इसमें वो देखते हैं। डेरी मिल्क, भाई साहब हमने तो कभी नहीं खरीदी हुई, दस वाली बीस वाली इससे बड़ी कभी खरीदी नहीं। थैंक यू सो मच, मीठा था ये, मतलब मेरे जो मामा हैं उनकी लड़कियों की तरफ से है, मतलब तीनों
सानिया तमन्ना सवा बिल्कुल ही बन गया तीनों की तरफ से। तो उनकी तरफ से क्या गिफ्ट आया है वो हम देख रहे हैं भाई। कुछ लोगों के समझ में आ रही हुई क्या लिखा है और कुछ लोगों की नहीं समझ में आ रही हुई। ये लिखा है माशाल्लाह, तो ये मेरी मतलब मामू की लड़की की तरफ से है, लड़कियों की तरफ से है, तीन लोग हैं, तीनों की तरफ से है, सानिया तमन्ना सबा की तरफ से। तो उनका गिफ्ट अच्छा लगा, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, लाइट है, तो हम चला के देख रहे हैं कैसी है। तो भैया मुँह से माशाल्लाह ही निकला है, तो शुक्रिया माशाल्लाह, थैंक यू। और ये गिफ्ट जो है जो बुल्लन के जो फूफा हैं उनकी तरफ से आया है, लेकिन फूफा जो थे किसी वजह से वो नहीं आ पाए, वो नाराज हैं कि क्या है क्योंकि वो फूफा है तो इस वजह से वो आए नहीं, लेकिन उनकी तरफ से गिफ्ट जरूर आ गया। तो वो गिफ्ट क्या है वो देख लो एक बार, मतलब मेरे मन की चीज़ है, स्पोर्ट्स शूज है इसलिए हमें अच्छा लगता है ये। तो फूफा की तरफ से ये आया है गिफ्ट, फूफा ने जूता जो मारा है क्या ही कर सकते हैं। और ये जो था भाई बुके आया है, ये बुके कहाँ से आया है वो शायद मेरे ब्लॉग में नहीं आया तो हम बता दे रहे हैं। ये बुके जो है दिया था हमें किसने, प्रिंस भाई की तरफ से, प्रिंस भाई और अर्शी की तरफ से, दोनों की तरफ से ये बुके मिला है। तो आपका भी थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोगों का भैया दिल से थैंक यू, आप लोग आए हमें बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही अगली बार फिर आना, और इनवाइट तो फिर करेंगे फिर आना, और जल्दी बुलाएंगे, हो सकता है 1,00,000 सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी बुलाएंगे। सो गाइस अभी हो चुका है टाइम सुबह का नहीं दोपहर का टाइम हो चुका है, और बज रहे अभी 2, और उठे हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, सुबह उठ गए थे करीब 7-8 ही बजे, हाँ खुल गई जिस टाइम पे खुलना होती है उसी टाइम पे खुली है, बाकी ये देखो टेंट वगैरह खोलना सब गंदगी वगैरह इतनी पड़ी हुई है। देखो अभी शाम का बज चुका है 4, और अभी हम काम से बिल्कुल फ्री हुए हैं, और नींद वगैरह काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा सो नहीं पाए, मतलब 3 बजे सोए तो उसके बाद जैसे 8 बजे उठ भी गए, तो काम की वजह से उठना पड़ा। हालांकि टेंट वगैरह सारा समेट दिया, ट्रैक्टर आ जाएगा वैसे ही इसे भरवा के तुरंत पहुँचा देंगे। मतलब सब लोग आए तो सब लोगों का आने का बहुत बहुत थैंक यू, और आने के बाद जो प्रोग्राम भाई बन गया वो बढ़िया लगा, बट थोड़ा सा पानी ने व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब की, लेकिन हमने उसे फिर भी ठीक किया। और सभी लोग मतलब गोल्डन बॉय फरखाबादी, गोल्डन बॉय करण मिश्रा जो सरायगंज से हैं, राहुल भाई जो सबल नगरा सरायगंज संकिसा के पास में ही रहते हैं वो भी आए थे, मास्टर आए थे, और शिवम भाई आए थे मैनपुरी से जो राम प्यारे हैं भाई वो भी आए थे, और कौन आया था मैनपुरी से अपने क्या बोलते हैं प्रिंस भाई अर्शी, मतलब जिनको इनवाइट किया था सारे लोग आए, एक आध बंदे ऐसे रह गए जो पानी की वजह से नहीं आ पाए, तो उनका भी दिल से थैंक यू, नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम फिर से आना, और जो आ गए उनका भी दिल से थैंक यू, और आप लोग आए हमें बस यही अच्छा लगा, और बस आप लोगों ने डांस किया सब कुछ किया सब, मतलब बिल्कुल मस्ती माहौल बना दिया एकदम से, बहुत अच्छा लगा। और हमने भी डांस वगैरह किया, हरीश भाई फिरोजाबाद से आ गए थे, और बाकी जिन जिन लोगों ने गिफ्ट दिए बहुत बहुत थैंक यू, और बस और जो आए उनका भी थैंक यू, और बाकी मेंशन जिन बहुत सारे लोगों ने हमें मेंशन दिए, कम से कम 450 लोगों ने मेंशन किया हमें, तो मेंशन बैक हम 12 बजे तक दिन के दे पाए, उसके बाद हम काम में बिजी हो गए तो मेंशन बैक नहीं दे पाए, तो फिर हमने वो रात के 3 बजे हमने मेंशन बैक किए लोगों को, और जिनको भी अगर नहीं कर पाए गलती से नहीं कर पाए मतलब, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं भाई, मेंशन बैक नहीं दे पाए कोई दिक्कत नहीं, बट हमने सभी को रिप्लाई किया, सबका रिप्लाई दिया। तो बस उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मेरी वीडियो आ चुकी है कम्बल का डाकू, अगर नहीं देखी है तो मैंने यहाँ पर इसका लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।